Good morning to all of you. This is Nagma, your biology teacher and students. I hope all you are fit and fine at your places. अपने studies पे अच्छे से focus कर रहे होंगे. हमारे last lecture हमने जो खत्म किया था हमारा lysosome का था. We have done with the lysosome. And I hope आपके सारे lectures जितने भी हुए हैं अभी तक class में वो समझ में आ रहे होंगे. ठीक है. So today we are going to start vacuoles. You can see here मैंने पहले से ही लिख रखा है यहाँ पर vacuoles. सो जनरल बेसिस पे अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स को हम क्या कहते हैं. वे वैक्यूल्स आर स्टोरेज बबल्स फाउंड इन सेल्स. हम जनरली वैक्यूल्स को स्टोरेज बबल्स कहते हैं जो कि हमारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके अब ये किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट इन बोथ टाइप ऑफ सेल एनिमल एंड प्लांट सेल्स बट इट इज मच लार्जर इन प्लांट सेल्स. बट प्लांट सेल्स में इनका क्या होता है. प्लांट सेल हम जैसे कि जानते हैं हमने अपने जो आप लास्ट क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट सेल में क्या होता है. प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं. प्लांट एक जगह पे स्टोर रहता है. उनका मेटाबॉलिज्म इतना तेजी से नहीं होता. ठीक है. लेकिन जो वो होता है वो न्यूट्रिएंट को वो फूड को स्टोर करके रखते हैं. जो भी उनके लिए ग्लूकोज हो गया कुछ भी न्यूट्रिएंट हो गया हमारा वो क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. तो इस चीज की नीड के लिए जो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स को के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े साइज के प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं. लार्ज साइज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल. इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल साइज और इट इज एब्सेंट और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. क्या होता है कि ये या तो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे तो बहुत इनका साइज छोटा होगा या फिर प्रेजेंट नहीं होंगे. बट जनरलाइज बेस पे अगर हम कहें तो ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज प्लांट सेल्स में इनका यूज होता है. और ये यूज होते ही नहीं ये अपने साइज में भी बहुत ज्यादा बड़े होते हैं एंड लार्जर होते हैं एंड हमारे सेंट्रली लोकेटेड होते हैं. ओके सो वैक्यूल्स माइट स्टोर फूड और एनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट अ सेल माइट नीड टू सर्वाइव. जो हम क्या इस बात से क्या मतलब है कि वैक्यूल्स क्या करते हैं अपने अंदर स्टोर रखते हैं किस चीज को. फूड का स्टोरेज रखते हैं ये और एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं उनका भी स्टोरेज रखते हैं जो कि हमारे सेल को सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है. ओके सो जो हमारे न्यूट्रिएंट के अलावा भी ये क्या स्टोर करके रखते हैं. दे कैन इवन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट्स सो द रेस्ट ऑफ द सेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटामिनेशन. मींस हमारा क्या होता है इसमें कि ये एक तो कुछ वैक्यूल्स में क्या होता है हमारा स्टोर स्टोरेज होता है किस चीज का. फूड का न्यूट्रिएंट्स का. लेकिन कुछ जो वैक्यूल्स होते हैं उनमें वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्या करते हैं स्टोर करके रखते हैं. वो सेल में फैलने नहीं देते. इसी वजह से हमारी सेल जो है कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट रहती है हमारी वैक्यूल्स की वजह से. सो इवेंचुअली दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स वुड बी सेंट आउट ऑफ द सेल. जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमारी सेल के वो क्या होता है वो उसको बाहर भेजा जाता है वैक्यूल्स के थ्रू. जिस तरीके से हमने देखा था अपने हमारे गोल्जी एपरेटस में और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कि हमारी जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन किस चीज में हमारे वैक्यूल्स में ही पैकेज होके आ रही थी एंड उनकी मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर उसको मटेरियल्स को क्या कर रही थी मटेरियल्स को भेज रही थी हमारे ईआर से गोल्जी में एंड गोल्जी से उसके डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर. इसी तरीके से हमारे वैक्यूल्स का क्या काम होता है. वैक्यूल्स हमारे पैकेजिंग के लिए होता है चाहे वो हमारे न्यूट्रिएंट की हो फूड की हो या फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स की हो. वो हमारे जो सेल को हर चीज से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. वर्स्ट कंडीशन से बचाने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. जैसे कि अमीबा में आपने देखा होगा कि अमीबा में कई टाइप्स की वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है. और जो अमीबा में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है वो हम एक तरीके की स्टोमक का काम करती है. सो प्लांट्स में इनका इतना यूज होने की वजह से ये जो होता है 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ मेनी प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल. मींस जो 90% वॉल्यूम होता है हमारा मेनी प्लांट सेल्स का वो ऑक्यूपाई करके रखती है वैक्यूल हमारी. क्योंकि वो कैसी है हमारी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या भरा होता है फ्लूइड भरा हुआ होता है. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम इसका रोल जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा प्लांट सेल्स में बोल रहे हैं. सो अ वैक्यूल इज सराउंडेड बाय अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट. एक जिस तरीके से हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी परमिएबिलिटी शो करती है सब्सटेंसेस के लिए कि एक जो सब्सटेंसेस होते हैं वो परमिट के थ्रू ही क्या करते हैं एग्जिट करते हैं और एंट्री करते हैं हमारी किस चीज में सेल्स में. उसी तरीके से वैक्यूल से भी किसी वैक्यूल में भी कोई सब्सटेंस जब आएगा या वैक्यूल से कोई सब्सटेंस जब बाहर जाएगा एग्जिट करेगा तो वो भी परमिएबिलिटी शो करती है. परमिएबिलिटी शो करने के लिए उसके चारों ओर अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें
सपोज, तो इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मीन्स हम अगर हम वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो वैक्यूल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, हम टोनोप्लास्ट बोल रहे हैं। सपोज कर लो दिस इज आवर प्लांट सेल, ओके। यहाँ पर हमारी जो वैक्यूल है, यहाँ पर हमारी सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है हमारी, दिस इज आवर वैक्यूल, जिसमें क्या बना है, हमारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, या ये फूड वैक्यूल हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट फिल्ड वैक्यूल हो सकते हैं, या फिर हमारी वेस्ट प्रोडक्ट्स वाली हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम बोल रहे हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है। जो क्या शो कर रही है, जो परमेबिलिटी शो कर रही है सब्सटेंसेस के को अंदर आने के लिए परमिट प्रोवाइड कर रही है, एंड सब्सटेंसेस को बाहर जाने के लिए क्या प्रोवाइड कर रही है, परमिट प्रोवाइड कर रही है, ओके। सो इस तरीके से हमारी जो वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स और क्या कंटेन करती है, वैक्यूल्स हमारी कंटेन करती है वाटर और उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस। डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं कुछ जो हमारे वाटर में डिजॉल्व होते हैं वो कंटेन करती हैं, ठीक है। वैक्यूल्स में वो भरा हुआ होता है। डिफरेंट वैक्यूल्स कंटेन द डिफरेंट सब्सटेंसेस, इस तरीके से डिफरेंट काम के लिए भी डिफरेंट वैक्यूल्स होती है, लाइक हमारी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गए, हमारी फूड वैक्यूल्स हो गई, हमारी वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करने वाली, हमारी एक्सक्रीट करने वाली हमारी वैक्यूल्स हो गए। सो दिस सर्व एज अ टेम्पररी स्टोर हाउस फॉर मेनी ऑफ द सेल सॉल्यूट। ये क्या शो हो रहा है कि हमारी वैक्यूल्स जो है एक टेम्पररी स्टोर हाउस है, किस चीज का, हमारी सेल का। हमारे सेल में भी जो सॉल्यूट्स प्रेजेंट है, हमारे बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे, लाइक हमारा आयन्स हो गए, शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। ये जितने भी हमारे सॉल्यूट और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होगा, इनको स्टोर करने के लिए हमारा एक तरीके से क्या, किस चीज का काम कर रही है, एक टेम्पररी हाउस का काम कर रही है, टेम्पररी स्टोर हाउस का काम कर रही है, ठीक है। उसी तरीके से वैक्यूल के अंदर क्या होता है, टर्गर प्रेशर भी जनरेट होता है। तो वैक्यूल इज वैक्यूल्स के अंदर हमारा टर्गर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, कब जनरेट होता है, जब हमारी वैक्यूल फुल पूरी भरी हुई होती है, जब उसमें सॉल्यूट जो भी कंटेंट उसके अंदर भरा है, वाटर है या सॉल्यूट्स हैं या फिर कोई भी हमारा अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स भरे हुए हैं, तो वो टर्जिडिटी शो करती है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेसन में जो टर्गर प्रेशर कैसे जनरेट होता है। सो टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द वैक्यूल। वी कैन राइट हियर दैट टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है तो क्या होगा हमारा, किस चीज का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे ऑफ द वैक्यूल्स। सो ये बात हुई हमारी किस चीज की, ये बात हमारा हमने कर ली आज अपने वैक्यूल्स की। हमने वैक्यूल्स में देखा कि वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल्स में मच मोर लार्जर प्रेजेंट होती हैं, सेंट्रली लोकेटेड होती हैं। हमारी जो वैक्यूल्स के चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन उसके सराउंडेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। टोनोप्लास्ट क्या कर रही है, परमेबिलिटी शो करती है, हमारी डिफरेंशियल परमेबल है, लाइक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये परमिट प्रोवाइड कर रही है डिफरेंट सब्सटेंसेस को फॉर टू द एंट्री टू द और एग्जिट, ओके। इस तरीके से हमारा वैक्यूल बहुत सारे सब्सटेंसेस को भी क्या कर रही है, स्टोर करके रख रही है, लाइक हमारा वाटर हो गया, उसमें डिजॉल्व सब्सटेंसेस हो गए, या फिर हमारा फूड हो गया, और एनी वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट जो कि हमारे प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, प्लांट को जिसकी नीड होती है, तो वो उनको क्या कर रही है, स्टोर करके रख रही है, जो कि हमारे प्लांट्स सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा, सेल की ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा वो कंटामिनेशन से भी हमारी सेल को प्रोटेक्ट करके रख रही है, सेफ करके रख रही है हमारे जैसे, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर कर ले रही है, और फिर उसको बाहर जाके अपने, लाइक अगर हमें अमीबा का एग्जांपल लूँ, तो अमीबा में क्या होता है कि अमीबा में वो जितना भी एक्सक्रीट प्रोडक्ट होता है हमारा, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारा, उसको क्या करती है, वो अपने अंदर स्टोर कर ले, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर रहते हैं, और वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज कर जाती है, वो सारा का सारा जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है।
इसकी तरीके और इस वजह और इसके अलावा ये टर्गर प्रेशर भी जनरेट कर रही है ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारे वैक्यूल. सो दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल एंड टिल देन जस्ट वॉच द वीडियो एंड जस्ट लाइक इट एंड शेयर आवर सेशन. थैंक यू सो मच.